दोस्तों ब्रेवाइट के रिटर्न को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसे खुद ब्रेवाइट ने रिवील किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों सभी यही सोच रहे हैं कि ब्रेवाइट पॉसिबली समर स्लैम में अपना रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि एक सर्कल वाला मोमेंट बनता है। 2020 के अंदर रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था, उन्होंने फिंड के ऊपर अटैक किया था और टाइटल जीती थी। तो इस बार सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 साल बाद 2023 के अंदर ब्रेवाइट का रिटर्न होगा समर स्लैम के एंड में, जब रोमन रेंस एंड जेउसो का मैच खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि मैच के बीच में ही ब्रेवाइट का रिटर्न हो जाए और दोस्तों रिटर्न होगा उसके बाद ब्रेवाइट आगे जाकर रोमन रेंस से कम्पीट करेंगे टाइटल के लिए। लेकिन बाद में फाइटफुल की रिपोर्ट आई थी कि ब्रेवाइट अभी भी प्रिपेयर नहीं है समर स्लैम में रिटर्न के लिए। लेकिन दोस्तों अभी खुद से ब्रेवाइट ने यह बता दिया है कि वह रिटर्न के लिए तैयार है समर स्लैम में। तो दोस्तों अभी रिसेंटली WWE ने 2K22 गेम के अंदर ब्रेवाइट के एक पैक डाला है, जहां ब्रेवाइट के बहुत सारे कैरेक्टर है एंड इसको काफी ज्यादा शेयर कर रहे थे फैंस, और 2K वाला भी खुद इसे शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों कल रात को ब्रेवाइट के तरफ से खुद एक ट्वीट निकलकर सामने आता है, ब्रेवाइट इसको खुद प्रमोट करते हैं, जो कि एक काफी मैसिव चीज हुई है। दोस्तों ब्रेवाइट कैप्शन में सर्कल डालते हैं, जो कि वो हमेशा डाला करते हैं रिटर्न से पहले। तो यह एक चीज हो गई। साथ ही अभी अपडेट निकल कर आई है कि WWE ने ब्रेवाइट के मर्चेंडाइज को ऑलरेडी रेडी कर चुकी है। तो दोस्तों यह सब देखकर लग रहा है कि ब्रेवाइट का रिटर्न हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि WWE यह सब तभी करते हैं जब किसी का रिटर्न हो या फिर वह WWE में ऑलरेडी हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ब्रेवाइट समर स्लैम में रिटर्न करेंगे या फिर नहीं, आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।